हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोके सर एन अनलिमिटेड स्टडीज ओन तो कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 18 से करना है जो क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं उन पर समय ख़राब नहीं करेंगे जो इजी है मेनली यहां पर ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 18 है देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है साइन एक्स फलन आपके सामने दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपको इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है किसका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करेंगे इसको पहले आप एक बार अवकलन कर देंगे और इसको दूसरी बार अवकलन कर देंगे तो इसका जो महत्तम मान है आपको मिल जाएगा कितने पे पाए बाई फोर पर आपको मैक्सिमा मिल जाएगा ओके और ये मान कितना होगा इस पर ये मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा और आपको महत्तम मान मिलेगा साइन पाए बाई फोर प्लस कॉस पाए बाई फोर मतलब इसका मान आपको कितना मिलेगा रूट टू बताइए इसको कराने की जरूरत है कि आगे बढ़े करना है क्या इसको yes. बोलिए प्लीज ठीक yes. है इसको कर देते हैं तो देखिए आपके पास में फलन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका महत्तम मान अधिकतम मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले फलन का नाम वाई दे दीजिए वाई इक्वल टू कितना हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स ठीक है अब डी वाई बाई डी एक्स को किसके इक्वल पुट कर दो जीरो के इक्वल तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया जीरो हो गया तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो गया साइन एक्स इसको पलट करके मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू कॉस साइन के नीचे कॉस आएगा बन जाएगा टेन एक्स इक्वल टू वन और टेन एक्स इक्वल टू वन का मतलब कैसे निकालेंगे देखिए इसको लिखते हैं टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन पाई बाई फोर क्योंकि आप जानते हैं एक्स की वैल्यू वन जो पाए बाई फोर होता है टेन एक्स कहाँ पर होता है पाए बाई फोर पर होता है सो टेन एक्स इक्वल टू टेन बाई फोर अब इसका एक हल हुआ करता है जिसको बोलते हैं इसका सामान्य हल क्लास ग्यारहवीं में आपने पढ़ा होगा टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फ़ा ये याद कर लीजिए इसका हल होता है एन पाई प्लस अल्फा ओके तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर अब एन की वैल्यू डालते जाइए एन की वैल्यू अगर आप जीरो डालेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा पाई बाई फोर अब एन का मान अगर आप वन डालते हैं तो पाई प्लस पाई बाई फोर यानी कितना आ गया फाइव पाई बाई फोर ठीक है ना अगर आप एक्स की वैल्यू वन डालते हैं तो फाइव पाई बाई फोर ठीक है और यदि आप यहाँ पे एन की वैल्यू अगर आप माइनस वन डालें एन की वैल्यू माइनस वन डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा तो दो ही आंसर आपके आ रहे हैं एक आ रहा है फाइव पाव बाई फोर और दूसरा आ रहा है फाइव पाए बाई फोर शायद मैंने गलती से थ्री पाए बाई फोर बोल दिया था थ्री बाई बाई फोर नहीं है वो, वो फाइव पाए बाई फोर है अब देखो करना क्या है तो दो वैल्यू आपके पास आ चुके हैं एक है पाए बाई फोर एक है फाइव पाए बाई फोर आपको दोनों पर चेक करना है कहाँ पर मैक्सिमा है कहाँ पर मिनिमा है तो आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमा अधिकतम न्यूनतम निकालने के लिए महत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं आप डबल डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डबल डेरिवेटिव भी निकालते हैं इसका तो डबल डेरिवेटिव मतलब द्वितीय अवकलज तो द्वितीय अवकलज तो हम निकालते हैं देखिए कि किस तरीके से अपने पास प्रथम अवकलज कितना आया है कॉश एक्स माइनस साइनेक्स ठीक है ना तो जो प्रथम अवकलज आपके पास है डी बाई बाई डी एक्स इक्वल एक टू कितना है कॉसेक्स माइनस का साइनेक्स तो आपके पास जो द्वितीय अवकलज बनेगा डी टू बाई बाई डी एक्स टू जो द्वितीय अवकलज आपके पास में बनेगा वो क्या बनेगा देखिए कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अब आपको इन पर चेक करना है सबसे पहला कहाँ पर चेक करना है एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे तो एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे कितने वैल्यू आएगी देखिए डी टू बाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे माइनस साइन पाए बाई फोर और माइनस कॉस पा बाई फोर आप जानते हैं साइन पाए पे फोर कितना होता है वन अपॉन रूट टू और कॉस पाए पे फोर कितना होता है वन अपॉन रूट टू तो देखिए ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव तो आंसर कितना आएगा निगेटिव आएगा और निगेटिव मतलब लेस देन जीरो और जब भी जिस बिंदु पर द्वितीय अवकलज का मान ऋणात्मक आता है वो बिंदु क्या होता है वो बिंदु होता है उच्चिष्ट बिंदु मतलब x इक्वल टू पाए बाई फोर जो है वो कौन सा बिंदु होगा उच्चिष्ट बिंदु क्योंकि मान कैसा आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है और ऋणात्मक मान किस बिंदु पर मिलता है उच्चिष्ट बिंदु पर मिलता तो यही हमको ढूंढना था उच्चिष्ट बिंदु हमको मिल चुका है ओके अगर आप दूसरा बिंदु देखेंगे तो वो निम्निष्ठ आएगा चलिए उसको देख लेते हैं वैसे आप कहेंगे तो तो दूसरा बिंदु कितना है फाइव पाई बाई फोर है ना तो चलिए उसको देख लेते हैं उसी पेज में देख लेते हैं यहाँ पर जगह है इसमें देख लेते हैं है ना हेलो तो ये जो बिंदु है निम्निष्ट बिंदु भी है कि नहीं है देख लेते हैं पता कर लेते हैं तो हमारे पास जो बिंदु है यहाँ पे आपके पास एक तो पाव बाई फोर आ चुका है अब देखिए दूसरा जो बिंदु है एक्स इक्वल टू फाइव पाए बाई फोर ठीक है फाइव पाए बाई फोर चेक करते हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का साइन फाइव पाए बाई फोर और माइनस का कॉस फाइव पा बाई फोर ये दो बिंदु हैं आपके पास एक साइन फाइव बाई फोर फाइव पाए बाई फोर और माइनस कॉस फाइव पाए बाई फोर तो देखिए साइन फाइव पाए बाई फोर होता क्या है पाई बाई फोर का पांच गुना पाई बाई फोर का पाँच गुना, पांच गुना यानी पैंतालीस गुणे पांच पैंतालीस गुणे पांच पांच गुणे पांच पच्चीस हो गया और पांच आ गया पांचों के बीस और दो बाईस देखिए दो सौ पच्चीस डिग्री दो सौ पच्चीस डिग्री मतलब थर्ड क्वाटरेंट थर्ड क्वार्रेंट ये देखिए थर्ड क्वाटरेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है और कॉस भी निगेटिव होता है तो निगेटिव गुणे निगेटिव ये खुद में क्या है निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये निगेटिव है और खुद में ये भी निगेटिव देगा क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इकल्डू क्या आएगा पॉजिटिव भाई आपको वैल्यू से मतलब नहीं आपको चिन्ह से मतलब है क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का निर्धारण चिन्ह करता है ना कि मान करता है डबल डेरिवेटिव में आपको चिन्ह चाहिए मान नहीं चाहिए तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया धनात्मक और आपको पता है कि अगर डबल डेरिवेटिव धनात्मक होता है तो संबंधित जो बिंदु होता है इक्वल टू पावे फाइव पाए फोर वो क्या होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा जिसको हिंदी में निम्निष्ठ बिंदु बोलते हैं तो यह है निम्निष्ठ बिंदु होगा यस अब निम्निष्ठ बिंदु आ चुका है तो हमको क्या निकालना है हमको मान ज्ञात करना है किसका हमको अधिकतम मान निकालना है तो हमने देख लिया है कि हमारा जो उच्चिष्ट बिंदु आया है वो कितना है एक्स इक्वल टू पाए बाई फोर अब फलन क्या है अपने पास में फलन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है भैया फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये था फलन ठीक है ना तो फलन हमारे पास क्या है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो अधिकतम मान किस पर निकलेगा पाए बाई फोर पर निकलेगा तो साइन पाए बाई फोर प्लस कॉस पाए बाई फोर कितना हो गया साइन पा बाई फोर प्लस कॉस पाए बाई फोर आपके पास में साइन पाए बाई फोर कॉस पाए बाई फोर का जो मान आ रहा है वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू आंसर कितना आ गया टू बाई रूट टू जिसको लिखते हैं रूट टू क्लियर है यस इस तरीके से आप इसका अधिकतम मान निकाल चुके हैं यहाँ पर ये देखिए मैंने इसका अधिकतम मान लिख दिया था कितना आता है रूट टू आता है अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी आज फिर बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक क्या होती है अगर आपके पास कोई भी फलन आ जाए अगर आपके पास कोई भी फलन फलन आ जाए, और ठीक है ना तो आपको इसका अधिकतम मान बताना है तो इसका जो अधिकतम मान होगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका न्यूनतम मान और ये इसका अधिकतम मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये इसकी रेंज हो गई ये इसका सबसे कम मान और ये इसका सबसे ज्यादा मान तो अभी आपके पास में जो फंक्शन था वो क्या था फंक्शन आपके पास था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मतलब ए की जगह पे वन था और बी की जगह पे भी वन था तो एफ एक्स का अधिकतम मान कितना होगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस वन बोले तो रूट टू न्यूनतम मान कितना होगा माइनस रूट टू तो इसका अगर कोई आपसे रेंज पूछ ले तो रेंज कितना होगा माइनस रूट टू से प्लस रूट टू के बीच में ये इसका रेंज हो गया डन क्लियर है बच्चों? Yes, चलो yes, <laughs> अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये देखिए सिद्ध कीजिए कि दिए हुए व्रत में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है ये मैंने कराया था क्लास में याद है इसका सोल्यूशन रखा हुआ है कि करवाना पड़ेगा बहुत मेहनत लगेगी इसमें सर, नहीं, याद। नहीं याद है सोल्यूशन नोट नहीं किया उस समय आप लोगों ने घर में जाके नहीं तो ये याद होता हम्म चलिए सिद्ध कीजिए कि दिए गए खींचे गए व्रत में सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है मतलब एक आपके पास व्रत लेना है है ना एक आपको क्या लेना है व्रत लेना है और उस व्रत के अंदर आपको क्या बनाना है वर्ग बनाना है तो ये हमने एक व्रत ले लिया भाई साहब ये हमने एक व्रत ले लिया है और इस व्रत के अंदर हमें एक वर्ग बनाना है है ना तो इसके अंदर एक वर्ग बना देते हैं और उस वर्ग में हमें शो करना है कि वर्ग जो व्रत वर्ग आएगा उसमें आयत का क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा तो एक वर्ग इसके अंदर बनाते हैं ये है इसके अंदर वर्ग वर्ग है क्या ये नहीं है वर्ग नहीं है हाँ। चलिए तो ये आपको शो करना है कि इसके अंदर ये जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल जो होगा सबसे अधिक होगा ये शो करना है तो देखिए अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो भी चतुर्भुज है उसकी लंबाई l है और चौड़ाई बी है है ना हम लंबाई चौड़ाई लेकर के चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा आपको ये कि चाल क्या रहा है ये लो भाई साहब बिल्कुल सेट हो चुका है थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको उसके मार्जिन दिखाई देंगे है ना क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क नहीं है मैं इसको डार्क कर देता हूँ अभी तो अब आपको क्लियर पड़ जाएगा ये देखिए ये वृत्त का केंद्र है वृत्त का केंद्र है दिया गया वृत्त है तो क्या पता होगा वृत्त की त्रिज्या पता होगी वृत्त की त्रिज्या हम लोग को पक्के से पता होगी है ना क्योंकि वृत्त दिया गया है तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे माना हमारे पास एक आर त्रिज्या का वृत्त है त्रिज्या आर क्योंकि वृत्त क्या हुआ दिया हुआ है और जो चीज दी होती है उसके बारे में क्या पता होगा ये देखो दिया हुआ वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या आर तो भाई पता होगी तो एक आर त्रिज्या का वृत्त आपके पास में है ये देखो भाई आर त्रिज्या का वृत्त आपके पास में है मान लिया इसके अंदर आपने एक चतुर्भुज बनाया सॉरी आयत बनाया क्योंकि सभी आयतों में बनाना क्या है आयत माना आपने आयत बनाया जिसकी लंबाई है एक्स और चौड़ाई है वाई माना आयत है जिसकी लंबाई किसी समय बराबर x है चौड़ाई किसी समय बराबर कितनी है y है तो लंबाई x है और चौड़ाई y है ठीक अब लंबाई x है चौड़ाई y है दो वेरिएबल हैं उनको एक वेरिएबल में लाना है तो क्या कर दो भाई पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो ये r है क्यों है त्रिज्या है तो ये भी क्या है त्रिज्या है तो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया ये आर प्लस आर कितना हो गया टू आर हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी टू आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर तो फोर आर स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेंदू नंबर वन ये हो गया ठीक क्या सिद्ध करना है ये सिद्ध करना में भूल गया था सिद्ध करना है कि ठीक है सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि जिस समय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा क्षेत्रफल उच्चेष्ट होगा क्षेत्रफल उच्चिष्ट होने पर जो बनने वाला आयत होगा वर्ग होगा आयत वर्ग कब बराबर होगा जब भुजाएं बराबर होंगी मतलब x इक्वल टू वाई आपको x इक्वल टू वाई लेकर के आना है यही सिद्ध करना है आपको ठीक है ना यह आपको सिद्ध करना डायग्राम बन गया सब कुछ हो गया अब क्या करना है देखो वर्गों का क्षेत्रफल मतलब उच्चिष्ट निम्निष्ट किस पे खेलना है क्षेत्रफल पे तो आओ भाई क्षेत्रफल निकाल ले नौ क्षेत्रफल जो होता है आयत का आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई तो भैया ए बराबर लंबाई कितनी है लंबाई है एक्स चौड़ाई कितनी है चौड़ाई है वाई तो हमारे पास जो फलन जनरेट हुआ क्षेत्रफल का वो क्या जनरेट हुआ ए बराबर एक्स इंटू वाई तो ए बराबर एक्स तो एक्स है वाई का मान क्या बन जाएगा देखो भैया अभी अपन ने एक्स निकाला है यहाँ पे ये देखो यहाँ से वाई का मान कितना आ जाएगा फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ना वाई का मान वाई का मान आ जाएगा अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये हो गया ठीक अब क्या करो देखो इसको नंबर वन दे दो अच्छी बात है अब एक काम करो देखो यहाँ से इसको आपको अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि यही आपका मेन फलन है और इसी क्षेत्रफल में आपको उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ लगाना है तो यहाँ पर आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको करना चाहिए कि ऐसा कोई भी फंक्शन आए जिसमें इन्वॉल्व हो रूट इन्वॉल्व हो तत्काल उसका स्क्वायर ले लो तो आपने ए का स्क्वायर ले लिया और ए का स्क्वायर जो है उसको नया नाम दे दिया कि भाई तुम जेड हो क्या हो नाम जेड यस तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट में कितना हो गया फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब जो जो आपको ए के साथ करना था वो वो आप अब नए फलन जेड के साथ करोगे वो वो आप नए फलन जेड के साथ करोगे तो जेड बराबर कितना हो गया जेड हो गया मल्टीप्लाई कर दो तो भाई इसके साथ में तो फोर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर फोर ये हो गया अब क्या करना है हमको अब हम इसको कलन करना चाहते थे तो डी तो जेड बाई डी एक्स कर दो तो डी जेड बाई डी एक्स फोर आर स्क्वायर क्या है कॉमन है एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और फोर आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा फोर एक्स की पावर थ्री ये आ गया इसका अवकलन दो बार अवकलन कर दो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर टू एक्स का कितना हो जाएगा दो बाहर आ जाएगा एक्स का वन हो जाएगा एट आर स्क्वायर माइनस चार तिया बारह एक्स स्क्वायर बस ये हमारे पास हो गया इसका दो बार अवकलन अब देखिए क्या करते हैं अधिकतम या न्यूनतम के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए क्या करते हैं डी जेड बाई डी एक्स को किसके इक्वल दिखाते हैं जीरो के बराबर तो ये जीरो के बराबर दिखा दो फोर आर स्क्वायर टू एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब बराबर कितना जीरो तो क्या क्या कॉमन आ रहा है फोर कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है बस आर स्क्वायर इंटू कितना टू बच गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना जीरो ये हो गया दो चीज़ें होंगी या तो फोर एक्स बराबर जीरो या टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो ये हो गया टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो फोर एक्स बराबर जीरो मतलब एक्स बराबर जीरो एक्स मतलब लंबाई जीरो हो लंबाई जीरो लंबाई वाला कोई आयत संभव नहीं है इसका मतलब ये उत्तर फर्जी है संभव नहीं दूसरे उत्तर की ओर जाएंगे दूसरा उत्तर क्या कह रहा है दूसरा उत्तर कह रहा है टू आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स लेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा टू आर स्क्वायर का आंसर एक्स बराबर अंडर रूट टू आर केवल प्लस में लेंगे क्योंकि लंबाई ऋणात्मक होती नहीं है इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया अंडर रूट टू आर यह आ गया हमारा एक्स का मान अब इस x के मान को यहां पर पुट कर दो पता चल जाएगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है तो चलिए पुट करते हैं x का मान किसमें द्वितीय अवकलज डबल डेरिवेटिव में x बराबर कितना आया है अंडर उर तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट आर स्क्वायर माइनस बारह अंडर उ आर का स्क्वायर ये पोट कर दिए आठ आर स्क्वायर माइनस बारह दूनी चौबीस आर स्क्वायर आठ स्क्वायर माइनस चौबीस आर स्क्वायर कितना होता है माइनस का सोलह आर स्क्वायर जो कि क्या है ऋणात्मक है जीरो से कम है इसका मतलब एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू आर जो है वो कौन सा बिंदु है उच्चिष्ट बिंदु है क्यों क्योंकि ऋणात्मक मान मिल रहा है ना और ऋणात्मक मान किसको बताता है भैया उच्चिष्ट को इसलिए x इक्वल टू अंडर रू टू आर कौन सा बिंदु हो गया उच्चिष्ट बिंदु हो गया है अब इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है इस बिंदु पर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आ चुका है इस बिंदु पर हमें शो करना है कि यह वर्ग होगा तो x तो आ चुका है और y भी निकाल लेते हैं तो y के लिए फलन क्या बना था देखो भैया अपना y के लिए यहाँ से फलन बना था ये लगाया था अपने वाई फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी निकाल के रख देता हूँ जिससे कि थोड़ा फ़ायदा हो जाए तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वाई बराबर हो जाएगा अंडर उड फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चलिए वहीं वापस चलते हैं तो उच्चिष्ट बिंदु आ चुका है यहां पर अब अपने पास में y बराबर कितना है अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर तो y इक्वल टू अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकली है अंडर रूट टू आर अंडर रूट टू आर का होल स्क्वायर तो y बराबर अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर कितना होता है टू एंड आर स्क्वायर सो y इक्वल्स टू फोर आर माइनस टू आर स्क्वायर क्या बचेगा टू आर स्क्वायर और y इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर क्या दिख रहा है अधिकतम की स्थिति पर y भी रूट टू आर है और x भी रूट टू आर है अतः x बराबर वाई आ रहा है और ऐसा होने पर जो आयत हो जाएगा वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा अर्थात अधिकतम क्षेत्रफल के लिए क्या होगा वर्ग होगा अधिकतम क्षेत्रफल के लिए जो आयत होगा वो वर्ग बनेगा डन yes, चलो yes, मुकुल को क्लियर है श्री को क्लियर है सबको क्लियर है yes, sir. Yes, sir. चलो भाई। बढ़िया आगे चलते हैं निम्न अवरोधों का इसके अंतर्गत न्यूनतीकरण करो भाई बन जाएगा कि नहीं बनेगा बोलो बना लोगे ना जोर से बोलो आवाज से ओके okay. चलो अगला वाला क्वेश्चन बोलो बन जाएगा ना यस yes, ठीक है दूसरा वाला भी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है इसको बोलो क्या करना पड़ेगा देखो बता देता तो, हूँ बेटा ए माइनस बी चाहिए है और बी माइनस सी चाहिए है तो क्या लगाओगे बेटा आर वन टेंस टू आर वन सॉरी सी वन लगेगा बेटा सी लगेगा क्योंकि ए माइनस बी आपको सी वन में से मिलेगा है ना तो क्या लगेगा बेटा सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी टू और C2 टू टेंस टू सी टू माइनस सी मुकुल बोलो बनेगा सर, तो बन जाएगा कि कंप्लीट करवाएं अच्छा उसके आगे नहीं बनेगा उसके तो हां या ना बोलो तुम तो ना बोलोगे तो हम पूरा कराएंगे ये क्या बात हुई भाई बन जाएगा चलो ठीक है ठीक है तो आप पर मैं इसको छोड़ता हूँ नहीं बने तो मेरे को फिर से बोलना तो मैं फिर से कराऊंगा वैसे बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा जब इतना कल लोगे तो कॉमन आ जाएगा ए माइनस बी कॉमन ले लेना बी माइनस सी कॉमन ले लेना देखो ये हो जाएगा क्या वन माइनस वन जीरो ये भी हो जाएगा वन माइनस वन जीरो तो इस वाले के रिस्पेक्ट में ओपन कर देना ठीक है चलो अगला क्वेश्चन सत्यापित करना है पहले ए का मान इसमें रख देना है और फिर इसके बाद ए इनवर्स ज्ञात करना तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करोगे पूरे में ए इन्वर्स का गुणा कर दो पूरे में इनवर्स का गुणा कर दो चलो दिखाते हैं इनवर्स कैसे ज्ञात कर लेंगे इतना वाला पार्ट देख लो भाई सत्यापित तो कर लोगे ना पुट करके सत्यापित भाई इसको ए की जगह ये रख देना एक ही जगह फिर यहां पे रख देना आई की जगह कितना रख देना वन जीरो 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 वन वन जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन और इसके बाद आपको निकालना है तो मैं दिखा देता हूं इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देख लो ये देखिए आपके पास में क्या दिया है ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स है ये जीरो नहीं होता बेटा ये ओ होता है ओ का मतलब नल मैट्रिक्स है ना शून्य अब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई इक्वल टू ए इनवर्स इन टू ओ देखो ये कहलाता है प्री मल्टीप्लाई प्री मतलब पहले पोस्ट मतलब बाद में तो प्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस फाइव इंटू ए इनवर्स इंटू कितना आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ ओ कितना हो गया ओ यानी जीरो खत्म ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बेटा इसके पास दो ए है इसके पास एक उल्टा ए है तो कट जाएगा है ना ए इनवर्स की मीनिंग क्या होती है बेटा ए इनवर्स होता है आई अपॉन ए तो ध्यान से देख लो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर कैसे बचेगा बेटा ए इनवर्स मतलब आई अपॉन ए और ए स्क्वायर का मतलब ए इन ए. ए से ए कैंसिल बच गया आई इंटू ए और आपको पता है आई इन ए कितना होता है ए होता है माइनस फोर और ए इनवर्स इंटू ए उल्टा ए सीधा ए मल्टीप्लाई होकर क्या बच गया आई माइनस फाइव ए इनवर्स इक्वल टू कितना ओ फाइव इनवर्स को इधर ले आओ तो फाइव ए इनवर्स इक्वल टू ए माइनस फोर आई तो ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन फाइव ब्रैकेट में ए माइनस फोर आई अब यहाँ पर ए का मान रख दो यहाँ पर आई का मान रख दो और वन अपॉन फाइव करके डिवाइड करके लिख दो बोलो बनेगा कि मैं करूँ आगे चलो हाँ बोलो क्या बोले इससे सरल मेथड क्या होगी इसकी कहां पे प्रॉब्लम आ रही बताओ फॉर्मूला तो इसमें कुछ लगना ही नहीं है ना बेटा कहाँ फॉर्मूला लगा है? कौन सा फॉर्मूला लग गया है यहां पे बताओ एडजॉइंट वाला फॉर्मूला होता है वो तो दूसरी वाली मेथड है वो सारणिक लगता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया है इसमें एक ही प्रॉपर्टी लगी है कि उल्टा ए गुणे सीधा ये बराबर आई yes, चलो आगे चलते हैं चलिए दर्शाइए कि फलन x इक्वल टू जीरो पर सतत है और x की पावर y में डीओबाई डी एक्स सिद्ध करना है चलो बताओ तो सतत वाला बनेगा कि करवाऊं बोलो चलो देखिए आपके पास में दो चीजें दी गई हैं x इक्वल टू जीरो पर मान k है तो सबसे पहले f ऑफ जीरो इक्वल टू कितना k एक चीज नंबर वन f ऑफ जीरो इक्वल टू के और x इज नॉट इक्वल टू जीरो पर ये दी गई है तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो सतत होने के लिए, के लिए क्या होता है सीमा पर मान बराबर फलन का जीरो पर मान सतत शो करने के लिए तो फलन का मान जीरो पर तो निकाल लिया है कि एफ ऑफ कितना है के है अब जीरो पर सीमा निकालते हैं तो लिमिट टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स बहुत बढ़िया एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स देखिए आपके पास अगर आप एक्स की जगह ज़ीरो डालते हो तो एक्स की जगह ज़ीरो डालोगे तो ज़ीरो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन वन अपॉन ज़ीरो तो जीरो स्क्वायर जीरो ही होता है अब आपको पता है कि जो साइन का मान होता है वो अधिकतम मान प्लस वन और न्यूनतम मान माइनस वन इसके बाहर साइन का मान जाता ही नहीं है मतलब जो साइन की वैल्यू आएगी वो माइनस वन से प्लस वन के बीच होगी कि नहीं होगी बोलो छत्रपाल और जीरो गुणे कोई भी वैल्यू होगी अगर गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा जीरो इस तरीके से जीरो पर फलन का मान भी कितना दिया है के दिया गया है है ना जीरो पर फलन का मान कितना दिया गया है के दिया गया है एक मिनट बेटा यहां पर क्वेश्चन में जीरो पर फलन का मान इनको जीरो देना था ये नहीं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा के का मान ज्ञात करो तो ये क्वेश्चन सही कर लो बेटा यहाँ पे ये जीरो है यहाँ पे ये क्या है जीरो है नहीं तो क्वेश्चन आता कि के का मान ज्ञात करो अगर ये के दे रहे हो तो क्वेश्चन में के का मान ज्ञात करो तो के का मान जीरो आता और अगर सिद्ध करने को बोल रहे हो तो भैया के का मान ऑलरेडी आप जीरो लेकर के बैठो तो क्या बढ़ेंगे आगे हम लिखेंगे कि फलन पर जीरो का मान क्या के बराबर है जीरो के बराबर है और लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स भी कितना आ गया अपने पास में जीरो आ चुका है सिंस दोनों मान बराबर हैं और सीमा अगर फलन के बराबर आ जाए तो इसका मतलब दिया गया फलन एक्स इक्वल टू जीरो पर सतत होगा सतत होगा बोलो क्लियर है बच्चों डन चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये पहला वाला पार्ट तो हो चुका है अगला क्वेश्चन y की पावर x और x की पावर y चलिए y की पावर x दी है और x की पावर y हमें दी गई है ये दिया गया टू x की पावर y तो डी वो बाई डी एक्स कीजिए कुछ नहीं करना लॉग ले लेना है तो लॉग ले लोगे तो पहला वाला बन जाएगा x लॉग y इक्वल टू y लॉग x अब दोनों तरफ का अवकलन करके डी वो डी एक्स को किनारे कर लेना आंसर आ जाएगा बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा चलो ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला ऐसा एक क्वेश्चन आएगा पक्का बड़ा वाला पांच नंबर का एक क्वेश्चन आएगा चार का या पांच का जो भी स्कीम है आपकी चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास में x प्लस वन अपॉन सेवन तो सबसे पहले भैया इसको संतुलित रूप में लिखो x माइनस माइनस वन अपॉन सेवन इक्वल टू वाई माइनस माइनस वन अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस माइनस वन अपॉन वन ये हो गया पहली रेखा क्या दिख रहा है ये माइनस सिक्स है यस बेटा थैंक यू बेटा क्वेश्चन लिखते समय भी बहुत सारी गलतियां होती हैं कम से कम दस परसेंट गलती तो होती है क्वेश्चन लिखने में तो आप लोग एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा ये हर बच्चे से होती है क्वेश्चन लिखने में गलती कई बार माइनस छोड़ देते हैं कई बार नंबर गलत लिखे आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं फिर सॉल्व भी कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन बेटा ये इसका स्वरूप है तो ये एक्स वन ये वाई वन ये जेड वन और ये ए वन बी वन सी वन अच्छी बात है दूसरी लाइन देखो बेटा एक्स माइनस थ्री अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू जेड माइनस सेवन अपॉन वन तो ये क्या रूप है एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू अब इस मुकाम पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहीं ये रेखाएं पैरेलल तो नहीं है पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू ये चेक करो तो ए वन अपॉन ए टू कितना बनेगा सेवन अपॉन वन इक्वल नहीं है किसके माइनस सिक्स अपॉन टू के वाकई में इक्वल नहीं है वन अपॉन वन ये तीनों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये पैरल नहीं है समांतर नहीं ये चेक कर लिया अब समांतर नहीं है इसलिए कौन सा फार्मूला लगेगा समांतर नहीं है इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा अगर समांतर होती तो दूसरा फार्मूला लगता है और समांतर नहीं है तो दूसरा फार्मूला लगता है अभी फिलहाल समांतर नहीं है तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी डी ये कैसी रेखाएं हैं ये कुछ इस तरीके की रेखाएं हैं कि एक रेखा आपके तल में है पेपर में है आपके मोबाइल के प्लेन में है और एक रेखा मोबाइल को फोड़ते हुए ये जा रही है अंदर पीछे की तरफ तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है इसको बोलते हैं असमतलीय रेखाएं है। एक बाहर से अंदर आ रही है और एक मोबाइल के अंदर ही है बैठी हुई है तो ये वाली रेखा इसके लिए फॉर्मूला बेटा होता है देख लो क्या होता है इसका फार्मूला इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू ये हुआ करता है बेटा इसका फॉर्मूला वेक्टर ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू मॉड ऑफ ये होता है फॉर्मूला बेटा इसका ये इसका सदिश रूप है मैं इसका आदि रूप आपको बताता हूँ बेटा ध्यान से देखना आदिश रूप d बराबर सबसे पहले क्या है a2 टू माइनस वन तो a2 टू माइनस वन और b1 वन क्रॉस बी टू का मॉड क्या बनेगा x2 टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन क्यों बनेगा देखो ये है ये जो पहला सदिश है पहले सदिश का बिंदु है x1 y1 z1 और दूसरा क्या है x2 y2 z2 टू ठीक है ना इसलिए सदिश ए टू माइनस ए वन दूसरा सदिश माइनस पहले सदिश के जो बिंदु बन गए वो ये बन गए आगे बी वन क्रॉस बी टू बी वन मतलब ये डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात कौन कौन से हैं देख लो भाई दिक अनुपात ये बैठा हुआ है ए वन बी वन सी वन ये पहली रेखा का दिक अनुपात है दूसरी रेखा कौन सी है ए टू बी टू सी टू यस तो ये दिक अनुपात लिख दो भाई ए वन बी वन सी वन और यहाँ ए टू यहाँ बी टू और यहाँ पे कितना सी टू अपॉन में बी वन क्रॉस बी टू का मॉड तो बी वन क्रॉस बी टू का मॉड कैसे निकालोगे उसका तरीका सुनो अब बी वन क्रॉस बी टू अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है और बना भी लोगे तो कोई गलती नहीं है बट बी वन क्रॉस बी टू का मॉड निकालने की मैं शॉर्ट ट्रिक बनाऊँ मॉड में क्या लगता है अंडर रूट लगता है अब फर्स्ट ये इसको छोड़ दोगे ना तो पहले बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का स्क्वायर प्लस ए इसको छोड़ दो प्लस ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का स्क्वायर ए टू सी वन का स्क्वायर प्लस Plus लास्ट वाले को छोड़ दो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का स्क्वायर अब एक काम करो अपनी अपनी एन बुक लिखा लो मैथ की और जहां सवाल है दो असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी वहां पर जाकर के देखो कि बुक में ये फार्मूला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है और उस फार्मूले पे गोला लगाओ इंपॉर्टेंट मार्क करो वहां पे दोनों फॉर्मूले लिखे हुए ऊपर वाला सदिश रूप है नीचे वाला अधिस रूप है मार्क कर, मार कर लिया तो वो जो फॉर्मूला बच्चों आपके बुक में लिखा हो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से मतलब सबसे पहले इसमें ये देख लेना कि रेखाएं है, समानांतर हैं कि नहीं है अगर समानांतर नहीं है मतलब असमतलीय हैं तो ये फार्मूला लगेगा अब इस फार्मूले से आप बताइए x2 x1 सब कुछ पता है दूरी निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे निकाल हाँ इसका एक एग्जाम्पल दिया है लिखिए उसको होमवर्क अभी आप लोग उस एग्जाम्पल को करके मेरे को सब लोग व्हाट्सएप में शेयर करोगे उसका वहीं पर बाजू में एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है मिल गया आप लोग को फार्मूले के बाद में एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है देखिए बुक में हाँ यही फार्मूला लगा हुआ है देखो समांतर नहीं है ए, तो उसके आगे देखो नहीं सर समांतर नहीं है। समांतर हाँ तो ग्यारहवा समांतर नहीं है ना सर। हाँ तो वही ग्यारहवा ठीक है सर। चल अब यहीं पर उसी के पीछे जहां पर वो फॉर्मूला लिखा था असमतली रेखाओं का वहीं पर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखा हुआ देख लो yes, हाँ तो देखो कैसा फॉर्मूला लिखा है वेक्टर आर बराबर ए वन प्लस लेमडा वैक्टर बी वन लेमडा वैक्टर बी प्लस आर इक्वल टू ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी बेटा समांतर में बस क्या फर्क आएगा कि कंडीशन फॉलो होगी वो जो मैंने बताई थी ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू यह कंडीशन फॉलो हो जाएगी देख लो मैच हो रहा होगा तुम्हारे तो पास जो का जो तो क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल नंबर बारह उसमें कंडीशन मैच हो रही होगी उनके दिशात्मक सदस्य के अनुपात देखो बिल्कुल फिक्स आ रहे होंगे उनके अनुपात देख लो बिल्कुल फिक्स आ रहे होंगे मिल गया हम्म hmm. तो अब इनके बीच जो दूरी होती है बेटा इसका फॉर्मूला ये है जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है ये जो लिखा हुआ है d बराबर ए टू माइनस सेवन क्रॉस बी अपॉन मॉड बी बोलो दिख गया? हाँ इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन है उदाहरण नंबर बारह यह भी आपको करके मेरे को भेजना है दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है दोनों पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक कोई आएगा क्लिक चलो फिर आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शाइए कि बिंदु सनरेख हैं हाँ कैसे बनेंगे तीन बिंदु है आपके पास में ए बी सी तो भैया पहले ए बी का दिक अनुपात निकाल दो फिर बीसी का दिक अनुपात निकाल दो ए बी के दिक अनुपात बीसी के दिक अनुपात के बराबर हो जाएंगे और बिंदु बी कॉमन है इसलिए संरेख हो जाएंगे बोलो बन जाएगा कि कराऊं चलो देखो लिख दिया मैंने ए के बिंदु क्या है दो तीन चार बी के बिंदु क्या है माइनस एक माइनस दो एक और सी के बिंदु है पाँच आठ सात तो इसके दिक अनुपात निकाल लो इसके दिक अनुपात कितने निकलेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन तो एक्स टू माइनस एक्स वन माइन इसका ए वन निकाल लो माइनस वन माइनस टू कितना हो गया बेटा माइनस थ्री टू माइनस माइनस टू है ना हाँ माइनस टू माइनस थ्री बी बी वन कितना हो जाएगा माइनस का फाइव और माइनस का वन सॉरी वन माइनस फोर कितना हो गया माइनस थ्री अब चलो इन दोनों का निकाल लो बी सी का तो फाइव और माइनस माइनस वन मतलब कि सिक्स ए टू इक्वल टू कितना हो गया प्लस का सिक्स बी टू आठ और माइनस माइनस दो मतलब आठ प्लस दो बोले तो दस और सात माइनस एक सी टू बोले तो कितना छः अब आपको पता है कि दो रेखाएं अगर समानांतर होती हैं तो उनके दिग अनुपात समानुपाती होते हैं यानी कि सेम रेशियो में होते हैं सेम अनुपात में होते हैं तो चलो भैया ए वन अपॉन ए टू कितना आ रहा है माइनस तीन बटे छः बोले तो माइनस एक बटे दो बी वन अपॉन बी टू कितना आ रहा है बेटा माइनस का पाँच बटे दस बोले तो कितना माइनस एक बटे दो और सी वन अनुपात सी टू कितना आ रहा है माइनस तीन अनुपातें छः बोले तो माइनस एक बटे दो देखो बेटा तीनों बराबर आ रहे हैं ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू इसका मतलब इनके अनुपात बराबर हैं अर्थात ये रेखाएं समानांतर होंगी अब देखो ये ए बी है और ये बी सी है ये दोनों रेखाखंड समानांतर हैं अब ऐसा तो दुनिया में हो नहीं सकता कि बी पॉइंट ऊपर बैठा हो बी पॉइंट नीचे बैठा हो बी जो होगा वो एक ही होगा मतलब बिंदु वन टू वन जो है ये ये फट कर के दो पॉइंट तो हो नहीं जाएगा तो इसको साथ में होना पड़ेगा मतलब ये मजबूरन ऊपर ही आ जाएगा इसलिए समांतर होने के साथ साथ एक बिंदु कॉमन है इसलिए ये समरेखी भी होंगे बोलो क्लियर हुआ चलो तो समरेखी भी होगा ये समरेखी डन चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में दो पार्ट हैं बताइए पहला पार्ट बन जाएगा कि मैं जाएंगे, दोनों बन जाएंगे दूसरा वाला करा दें पहला वाला तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा पहला वाला कैसे करोगे नहीं बहुत सरल है पहला वाला डेफिनेट आ गया ना सीधे प्रॉपर्टी लगा दो ए माइनस एक्स की आंसर आएगा मालूम कितना पाई बाई फोर कितना आएगा आंसर पाई 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 हाँ सीधे प्रॉपर्टी लगा दो कौन सी प्रॉपर्टी पाई बाई टू माइनस एक्स वाली है ना जी सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है चलो तीन लाइन का क्वेश्चन वेरी गुड चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सेकेंड वाला पार्ट टू एक्स माइनस फाइव और अंडर रूट में है टू प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर ठीक है देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है बाहर रूट जो है वो पावर वन का है बाहर रूट के बाहर जो टर्म है वो पावर वन का है और रूट के बाहर जो टर्म है वो कितने पावर का है वो दो पावर का है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आराम से करवाता हूँ इस क्वेश्चन को देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने क्लासरूम में एक ट्रिक के नाम से पढ़ाया था जिस ट्रिक का नाम था ऐसा मौसम आया है शायद आपको याद होगा चलिए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को दो तरीके हैं या तो आप वो मेथड लगाओ पूरी पूरी या थोड़ा सा जुगाड़ कर लो कुछ जुगाड़ कर लोगे तो सही हो जाएगा देखो कैसे करते हैं देखो यहां पे आपके पास में 2x एक्स माइनस फाइव है और ये आपके पास में कितना है इसको आप लिख सकते हो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का थ्री एक्स है और प्लस का कितना है टू है ठीक है आपको कुछ ऐसा करना है कि जो बाहर ये चीज बैठी हुई है वो अंदर वाले का अवकलन बन जाए देखो मैं क्या करता हूं मैंने माइनस कॉमन ले लिया माइनस मैंने कॉमन ले लिया जैसे ही माइनस मतलब माइनस वन तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस का टू एक्स और प्लस का फाइव बोलो सीपी बनेगा कि नहीं बनेगा करवा नहीं करवा दीजिए नहीं जो मैंने अभी सवाल पूछा वो तो बताओ मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस टू एक्स प्लस फाइव बनेगा कि नहीं बनेगा yes, बस हो गया तुम जवाब दे रहे हो करवा दीजिए अरे करवा ही तो रहा हूँ भाई सॉल्व एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर ठीक है इसको वैसे का वैसे ही ले दो प्लस थ्री एक्स प्लस टू आई इज इक्वल टू माइनस का वन ब्रैकेट के अंदर माइनस का टू एक्स प्लस तीन प्लस दो रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बोलो मुको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता पांच को तीन प्लस दो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता माइनस वन ब्रैकेट के अंदर दो एक्स प्लस तीन रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू बज गया तो टू के साथ भी ले लो अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बोलो बन सकता ऐसा कि नहीं बन सकता हाँ क्या कर दिया इतने पार्ट को अलग कर दिया और इतने पार्ट को मैंने टू को अलग कर दिया क्यों अलग कर दिया देखो ध्यान से कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना देखो ध्यान से दिखा निगाहें निशाना का पेयर कि नहीं दिखा हाँ माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा टू एक्स और प्लस थ्री एक्स का कितना हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा टू का ज़ीरो हो जाएगा मतलब ये अंडर रूट टी बनेगा और ये क्या बनेगा डी टी बनेगा बनेगा मुकुल yes, बस तो इसी साइकोलॉजी को लेके हम आगे बढ़े हैं हमारा यही था कि कुछ ऐसा कर दें कि मामला हल हो जाए चलो तो फिर हल किया जाए इसको बच्चों i इज़ इक्वल टू माइनस का वन ब्रैकेट तोड़ दो रूट ऑफ़ माइनस टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस थ्री और अंडर रूट ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू होल डी एक्स अब ये माइनस वन इसको फोड़ेगा तो टू है तो माइनस टू करके कांस्टेंट बाहर निकाल लो और रूट के अंदर कितना बच गया रूट के अंदर बच गया एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का टू डीएक्स देखिए अब इतने पार्ट को आप टी ले लीजिए लेट टी इक्वल टू देखो दो चीजें ले लो एक काम करो यहां पर इसको ले लो आई वन और इसको ले लो आई टू आई इज इक्वल टू ये हो गया आई वन बीच में क्या लगा है माइनस टू और ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका नाम दे दो बेटा आई टू अब थोड़ा दिल को चैन मिलेगा आराम से करेंगे इसको चलिए अब कैसे सॉल्व करता हूँ मेरे मेरी जिम्मेदारी केवल I1 की है तो I1 क्या है भाई साहब अपने पास I1 है अपने पास में अच्छा ये माइनस वन भी बैठा है तो इसको माइनस कर दो आराम आराम से करना समझ सोच के करना देखो ये माइनस बैठा है इसलिए मैंने माइनस इसको दे दिया अब आई मेरे पास इतना है तो मैंने क्या किया लिख लिया चलो पहले एक बार माइनस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक चलो तो इस वाले पार्ट को क्या ले लेता हूँ मैं टी ले लेता हूँ तो टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी टी बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स और प्लस का कितना थ्री तो इसके साथ डीएक्स को जान दो तो डी टी इक्वल टू ऑफ माइनस टू एक्स प्लस थ्री साथ में कितना डी एक्स बहुत बढ़िया तो ये माइनस का टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स जो है ये कितना बन गया डी बन गया देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला करके कितना बन गया डी बन गया तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन I1 वन इज़ इक्वल्स टू इतना पार्ट डी बन गया इतना पार्ट रूट के अंदर, तो अंदर रूट t तो अंडर रूट t t डी टी दैट इज इक्वल्स टू टी की पावर वन बाई टू डी तो लिख सकता हूँ t की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन टी की पावर वन बाई टू प्लस वन की पावर थ्री बाई टू अप थ्री बाई टू तो पल्टी मार करके टू ऊपर और थ्री नीचे लो आगे आंसर पहला पार्ट आ चुका है टू बाई थ्री आई इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री बेटा म्यूट कर लो जिधर आवाज आ रही है फिर के उसमें रिकॉर्डिंग भी है ऑन है क्योंकि है ना कितना हो गया भाई टू बाई थ्री टू बाई थ्री और t तो की पावर थ्री बाई टू और t कितना है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है ना माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू यह आ गया अपने पास i1 इतना i1 आ चुका है अब अपन को i2 निकालना है i2 निकालने में भी, भी बहुत मेहनत लगने वाली है कहाँ i2 बैठा हुआ है ये देखो बैठा हुआ i2 इतना सा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का डीएक्स इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का डीएक्स ये है आई टू अपने पास तो आई टू इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा यहाँ से आप जो है माइनस साइन सबसे पहले रूट के अंदर कॉमन ले लो तो ये क्या बन गया ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और माइनस का टू और पर dx। अब क्या बनाओ अब आप इसको अंदर ही अंदर पूर्ण वर्ग बना दो माइनस साइन बैठे दो। तो स्क्वायर ठीक है। 2 का गुणा तो है है, थ्री तो है ही है, और टू का गुणा किया तो टू का भाग दे दिया देखो बन गया टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी बी की पहचान क्या हो चुकी थ्री बाई टू तो थ्री बाई टू का होल स्क्वायर एड कर दिया और जो ऐड कर दिया उसको घटाना भी पड़ेगा तो क्या घटाएंगे अपन माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर तो माइनस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और ये होता है फोर और माइनस टू जो पहले से बैठा है ये वाला ये आ गया चलो अब लगा दो ब्रैकेट बंद ये कर दिया आपने ब्रैकेट बंद तो अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ मैं इसको सो आई टू इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस रूट के अंदर है ना रूट के अंदर माइनस है तो माइनस लगाया ब्रैकेट के अंदर देखो ये कितना बज गया यहां से लेके यहां तक क्या बन गया ये बन गया एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है बेटा फिर माइनस नाइन बाई फोर और माइनस का टू है तो इसको टू अपॉन वन लिख दो ठीक है ना अभी इसको एल करेंगे अपन तो नाइन बाई फोर माइनस टू अपॉन वन देखो चार गुणे दो कितना हो जाएगा आठ और ये बचेगा एक बटे चार माइनस का तो आई टू इज इक्वल्स टू एक बटे चार नहीं बचेगा दोनों माइनस है ना तो दोनों माइनस हैं अगर तो नौ दो ग्यारह बटे चार बचेगा तो माइनस रूट के अंदर है एक सेकेंड यस देखिए यहां पे आ जाएगा माइनस का एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर अब समझो यहां से यहां से नौ और ये इधर चला गया था कितना आठ तो नौ और आठ सत्रह चार सत्रह हो गया था तो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस सत्रह बटे चार बहुत बढ़िया अब इसको आप एडजस्ट करके लिख लोगे तो आई टू इज इक्वल टू अंडर रूट सत्रह बटे चार को आगे कर दो और माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू को पीछे कर दो बन गया अब सत्रह बटे चार को वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ये देखो आ गए हैं यहाँ पर हम आई टू को लेकर के आई टू यहाँ तक आ गया था तो आई टू इज इक्वल्स टू मैं इसको एक बार लिख सकता हूँ क्या इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट सत्रह बटे दो का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर अब आप एक काम करो x माइनस थ्री बाई टू को आप t ले लो तो क्या बन जाएगा dx एक्स इक्वल टू डी क्योंकि अंडर रूट तो लगा ही हुआ है ना dx एक्स हाँ तो i2 टू इज इक्वल्स टू कितना हो गया अंडर रूट अंडर रूट सेवेंटीन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा t का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा dt अब आपको फॉर्मूला पता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बोलो भाई क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन बताएगा बोलो बोलो हाँ एक्स हाँ हाँ बिल्कुल सही एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन तो बस अब ये प्रोसेस कर लीजिए जो जो आई हाँ हैं तो यहाँ पे फिलहाल ये टी की फॉर्म में है मैंने गलती से एक्स लिख दिया तो यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो टी की फॉर्म में पूरा फॉर्मूला आएगा फिर टी की वैल्यू आपको वापस पुट अप करनी पड़ेगी फिर आपके पास आंसर आएगा मतलब कुल मिला के मैं कहूँगा अगर ये दोनों क्वेश्चन आए तो आपको इसको हाथ नहीं लगाना है इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको केवल ऊपर वाला करना है क्योंकि ऊपर वाला तीन लाइन में हो रहा है भले ही चार मार्क्स का है ऊपर वाला बहुत आसानी से हो रहा है और नीचे वाला आपको बहुत डिफिकल्टी दे रहा है मतलब अब यही होता है कि परीक्षा में आप कैसे क्वेश्चन का चुनाव करें ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बट फिर भी एन से एक क्वेश्चन कम से कम ये लगा के जाइएगा जिससे बन जाए ठीक है ना अगर आप इतनी भी मेहनत पूरी जितनी मेहनत कर दी यहाँ पे आपको आप इतनी भी यदि पूरी मेहनत करके आते हो तो आपको पाँच में से पाँच का अगर नंबर आएगा तो साढ़े चार दे देगा और चार का होगा तो साढ़े तीन आपको दे ही देगा आंसर करेक्ट आता नहीं आता वो एक अलग बात है बट इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बोलो क्लियर है yes, ठीक, ठीक है अब इसके आगे वैल्यू पुट कर लीजिएगा ठीक है ना तो दोस्तों ये रहा आपका पेपर नंबर वन का कंप्लीट सोल्यूशन ये आपने पेपर नंबर वन जो है आपके जो बोर्ड में पर